एडवोकेट प्रोफेसर डॉक्टर गणेश भुतड़ा। मैंने एमबीबीएस डिग्री के बाद एलएलबी किया, वो मेरा पैशन था, मुझे मेडिकल में काम करना है। शौक था लिखने का, बचपन से कविताएं लेख लिखता था, लेकिन पेपर वाले कुछ छापते थे कभी नहीं छापते थे, नहीं छापते थे तो बुरा लगता था। इसने सोचा क्यों ना अपने पेपर चालू कर दें। एक पेपर चालू हुआ, दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया, और चार एक हिंदी में, दो मराठी में, एक इंग्लिश में। और साथ में बचपन से ख्वाहिश थी, राजेश को मालूम है, किसी ने दिमाग में भूत डाल दिया था, कलेक्टर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है। और सोचा वो बनते बनते इसके लिए क्या करना चाहिए, किसी ने बोला जनरल नॉलेज अच्छा होना चाहिए, हम जनरल नॉलेज पढ़ाई करने लगे। ये देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है, ये देश का पहला राष्ट्रपति कौन है, ऐसे करते करते काफ़ी अच्छी तैयारी कर लिए थे। लेकिन बारह मिनट टर्निंग पॉइंट आ गया, डैडी ने लिया इमोशनल। डैडी बोले मैंने मेरे बहन को बनाना चाहा, डॉक्टर नहीं बनी। मैंने मेरे भाई को बनाना चाहा, डॉक्टर नहीं बना। अपने घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मेरी इच्छा है तो भले कलेक्टर बन जाए बाद में, लेकिन पहले डॉक्टर ही कर रहे। तो ऐसा करते करते मैंने साइंस में लिया, मेडिकल लाइन में आ गया। एमबीबीएस फाइनल ईयर तक दिमाग में से भूत नहीं गया था कलेक्टर का। एमबीबीएस फाइनल होने के बाद इंटर्नशिप मैंने पुणे में लिया, सोचा आईएएस के क्लासेस लगा लूँ। फिर किसी ने बोला तू हो भी जाएगा आईएएस, लेकिन डॉक्टर होने का क्या फायदा, तू पेशेंट क्यों जाएगा, पेशेंट देख नहीं पाएगा। फिर ऐसे करते करते लग बड़ा जोरदार, पीजी के लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन थी। दिमाग में दो ही पीजी थे, एक तो पेडियाट्रिशियन बनना है, एक तो स्किन स्पेशलिस्ट। तो छः महीने तक कोशिश कर रहा था, इधर एडमिशन लो उधर एडमिशन लो, ओपन में था, कहीं नंबर लग रहा था कहीं नहीं लग रहा था। फिर किसी ने बोला, और इधर घर वालों ने लड़के देखना चालू कर दिए, घर वाले जैसे एमबीबीएस हो जाते तो लड़कियाँ देखने चालू कर देते हैं। फिर बाद में एक जन ने बोला क्यों ना यार तुम पहले एंगेजमेंट कर लें, क्या वो लग से तेरे पीजी मिल जाए। मैं बोला चले वो भी लग नहीं जाए। और जिस दिन मैंने मेरी वाइफ को हाँ बोल दिया, उसी दिन मुझे स्कीम मिल गया, उसको पीडियाट्रिक मिल गया। फिर हमने बड़े खूब से एनआईसीयू पीआईसीयू डर्माटोलॉजी भोपाल सेंटर चालू कर दिया। तब स्कीम को कोई ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, पीडियाट्रिक को तो सबसे बहुत ग्रूमिंग ड्राइव था। तो मैं सोचा चलो वाइफ को हेल्प करेंगे, लेकिन देखते देखते जैसे स्किन में बूम आते गया, कॉस्मेटोलॉजी सौंदर्य ट्राइकोलॉजी ये चीज़ आती गई। तो मैंने वो अच्छे लोग पढ़ने में रह के अपना ऐसा काम करेंगे, सोलापुर में जाएंगे, सोलापुर विजिट करेंगे, हैदराबाद विजिट करेंगे। तो ऐसे करके छोटे छोटे कॉस्मेटिक टॉक शोज दिए, लोगों को टॉक